हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने खास अंदाज से कौन बनेगा करोड़पति 14 के मंच पर समा बांध देते हैं। अमिताभ कंटेस्टेंट से सवाल पूछने के साथ साथ उनके साथ मस्ती मजाक भी करते दिखते हैं। कई बार तो शो में हॉट सीट पर बैठे लोग भी बिग बी से कई अजीबोगरीब फरमाइशें कर देते हैं जिन्हें अमिताभ बिना कुछ कहे पूरा करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हॉट सीट के लिए सिलेक्ट होने के बाद पिंकी जवरानी अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। वे खुशी से रोने लगती हैं। महिला को रोता हुआ देखकर अमिताभ बच्चन उन्हें आंसू पोंछने के लिए टिश्यूज देते हैं और कहते हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे टिश्यूज की नौकरी लग चुकी है। महिला आगे कहती है, मैं टीवी पर देखती थी, मैं सोचती थी कि सर कब मुझे ऐसे टिश्यूज देंगे। महिला की इस बात पर अमिताभ भी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, आ गया ना मौका, आप आंख पोछिए। हॉट सीट पर बैठी कंटेस्टेंट टिश्यूज को देखते हुए कहती हैं, सर ये नहीं दूंगी वापस। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो हमको देना पड़ेगा। अमिताभ महिला से टिश्यूज मांगते हुए कहते हैं, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी मैडम, आप समझती नहीं है, दे दीजिए। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है कंटेस्टेंट अमिताभ से अतरंगी सवाल करने लगती हैं। महिला अमिताभ से पूछती हैं, क्या आपके घर में कपड़े धुलते हैं? हम तो आपको हमेशा नए कपड़ों में ही देखते हैं। अमिताभ इस पर कहते हैं, हम तो खुद धोते हैं अपने कपड़े। हॉट सीट पर बैठी महिला अमिताभ बच्चन संग खूब सारे सवाल पूछती हैं। अमिताभ बच्चन भी महिला के हर सवाल का मजेदार जवाब देते हैं।